एक बाप से सच्ची प्रीत रखने वाले, एक रस स्थिति वाले, वैल्यूएबल विजय माला के मणकों को गॉडली मॉर्निंग। इस कल्याणकारी संगम युग में शिव बाबा से पद्मों की कमाई हुई, तो इस बात का नशा हो, फखुर हो और तकदीर लिखने की कलम हाथ आ गई, तो फिर अब किस बात की फिक्र है। संगम युग में आत्मा और परमात्मा का मिलन हुआ, बाबा के संग रहने से हमारे सारे गम दूर हो गए, अब कोई भी फिक्र नहीं। आज की साकार मुरली एक विशेष अवसर पर चली हुई है। 25 जून 1965 को जब मातेश्वरी जी ने शरीर का त्याग किया, तब बाबा ने ये महावाक्य उच्चारे हैं, जिसमें बाबा अच्छी अवस्था वाले बच्चों की निशानियां बताते हैं। मम्मा छोड़कर गई तो बच्चे उदास हो गए, तो बाबा ने समझाया कि कुछ भी हो, हर बात में कल्याण है। ड्रामा में जो भी हो रहा है, सब कुछ साक्षी हो देखना है। अभी तो बहुत आपदाएं आने वाली हैं, तो हमारी बहुत ही पक्की अचल अडोल अवस्था होनी चाहिए। रोना नहीं है, ज्ञान योग धारणा सेवा, इस पर भी किसी बात का असर नहीं होना चाहिए। हमारी प्रैक्टिकल लाइफ के लिए आज की मुरली विशेष बहुत ही लाभकारी है। आज तारीख है 8/8/2023। तो सुनते हैं अष्ट रत्न में स्थान दिलाने वाली, अष्ट शक्तियों से सजाने वाली परमात्मा वाणी। मीठे बच्चे संगमयुग ब्राह्मणों के लिए कल्याणकारी है, इसलिए सदा फखुर में रहना है, किसी बात का फिक्र नहीं करना है। संगमयुग कल्याणकारी युग है, बाबा कल्याणकारी है, तो बाबा कहते हैं कोई भी बात की फिक्र नहीं करना, सदा फकूर में रहना है। प्रश्न है, जिनकी अवस्था अच्छी है उनकी निशानियां क्या होंगी? उत्तर में बाबा कहते, उन्हें किसी भी बात में रोना नहीं आएगा, मुरझाएंगे नहीं, गम व अफसोस नहीं होगा, हर सीन साक्षी होकर देखेंगे, कभी क्यों क्या के प्रश्न नहीं करेंगे, किसी के नाम रूप को याद नहीं करेंगे, एक बाबा की याद में हर्षित मुख रहेंगे। मम्मा ने शरीर छोड़ा तो कई बच्चे रोने लग गए, मुरझा गए, अवस्था हिल गई, क्यों क्या के प्रश्न उठे कि मम्मा क्यों छोड़कर चली गई, हमारी पालना आप कैसे होगी, क्या सीन होगा आगे, तो मम्मा को याद कर रहे थे। तो बाबा ने ये मुरली चलाई, उत्तर में कहा कि जिनकी अवस्था अच्छी है उन्हें किसी भी बात में रोना नहीं आएगा, मुरझाएंगे नहीं, कोई भी गम अफसोस नहीं करेंगे, जो भी सीन हो रहा है उसको साक्षी होकर देखेंगे, क्यों क्या में नहीं जाएंगे और किसी को भी याद नहीं करेंगे, किसी के नाम रूप में नहीं अटकेंगे, किसको याद करेंगे, सिर्फ एक बाबा को, और सदा हर्षित मुख रहेंगे। गीत बजा, माता ओ माता तू
सबकी भाग्य विधाता, जग की भाग्य विधाता। ओम शांति। मीठे बच्चों को फरमान है कि बेहद के बाप को याद करते रहो। जो भी नाम रूप वाले बच्चे बाप की सर्विस में हैं, उनसे यह ज्ञान और योग सुनना है। वह भी यही सुनाएंगे कि बाप को याद करो, क्योंकि वर्षा उनसे मिलता है। मम्मा भी तो वही सुनाती है, बच्चे भी वही सुनाते हैं कि शिव बाबा को याद करो। तुम बच्चे यहाँ शिव बाबा की याद में बैठे हो, तुम्हें कोई फिक्र नहीं करना है, क्योंकि तुम बेहद के बाप से यह वर्षा ले रहे हो। इनमें कोई भी शरीर छोड़कर जाते हैं तो हम कहेंगे कि यह भी भावी है। किसी को शरीर छोड़ना है, कुछ भी हुआ तो सब ड्रामा की भावी है, ये होना ही है, फिक्स्ड है। कल्प पहले भी यह हुआ था, क्योंकि ड्रामा के ऊपर भी तो चलना पड़े ना, जिससे कोई फिक्र नहीं रहे। पहले भी यही हुआ था, आगे भी होगा। जो होना लिखा है वही हो रहा है, वही होगा, तो फिर फिक्र की कोई बात ही नहीं है। आज मम्मा गई, कल और भी कोई चले जाएंगे, फिर भी बाप को मुरली सुनानी है जरूर। कोई भी जाए, बाबा कहते हैं बाबा को तो मुरली जरूर सुनानी है। बच्चों ने कहा बाबा मम्मा चली गई, तो बाबा ने क्या कहा, कल तुम्हारी बारी है, या अब तुम्हारी बारी है, मम्मा गई और अब तुम्हारी बारी है। तो किसी का अब, किसी का कल कभी भी आ सकता है। तो बाबा कहते आज मम्मा गई, कल और भी कोई चले जाएंगे, फिर भी बाप को मुरली सुनानी है जरूर। बाबा तुम बच्चों को नई नई पॉइंट्स सुनाते, उनका अर्थ समझाते रहते हैं, और यही सबको कहते हैं कि बच्चे बाप को याद करो, कोई भी नाम रूप में फंसो मत। यह तो सब बच्चों के लिए ज्ञान है, आगे चल करके और भी बहुत कुछ वंडरफुल बातें देखने की हैं। इस समय तो है ही दुख की बातें, परंतु उस दुख का हमें कोई फिक्र नहीं है। देखो यह बाबा तो कोई फिक्र में नहीं है, ब्रह्मा बाबा साकार में बाबा बैठे हैं, तो ये तो कोई फिक्र में नहीं है, क्योंकि जानते हैं कि हमको तो बाबा को ही याद करना है, हमको बाबा से वर्षा लेना है। कैसे कैसे पार्ट आए, कैसा कैसा समय चला, ब्रह्मा बाबा ने कभी फिक्र की? टेंशन तो नहीं था ना कभी बाबा को, क्यों? क्योंकि पक्का निश्चय था कि ये बाबा का काम है, बाबा पालेगा अपने बच्चों को, चाहे बेगरी पार्ट रहा, चाहे कैसा भी पार्ट रहा, चाहे कोई छोड़ कर गए, आए गए, कुछ भी हुआ, लेकिन बाबा एकदम तटस्थ, निश्चय बुद्धि, कोई फिक्र नहीं। कंसर्न होना, देखभाल करना, वो अलग बात है, लेकिन चिंता फिक्र नहीं थी, क्योंकि पता है बाबा का काम है, बाबा संभालेगा, तो बेफिक्र थे। और याद बाबा को ही करते, क्योंकि बाबा से वर्षा लेना है। बाबा ने समझाया है कि क्रिएशन से कोई वर्षा नहीं मिलता है, क्रिएशन को क्रिएटर से वर्षा मिलना है। इसलिए जो भी क्रिएशन है, माना जो भी बच्चे बच्चियां हैं, उन्हें एक क्रिएटर को याद करना है, चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी माना कुछ भी हो जाए, याद सिर्फ एक बाबा को ही करना है। समझो कोई भी ऐसा विघ्न पड़ता है तो उसमें संशय की तो कोई बात ही नहीं है, क्योंकि एक शिव बाबा को ही याद करना है, इसमें ही बच्चों का कल्याण है। अगर कोई अच्छी सर्विस करते करते चला जाता है तो समझना चाहिए कि जो भी कोई जाता है उसे जा करके और कहाँ पार्ट बजाना है, माना उनका कोई और पार्ट था, वो चले गए शरीर छोड़ के। कोई ना कोई कल्याण के कारण यह सब कुछ होता है, कोई ना कोई कल्याण के कारण यह सब कुछ होता है, क्योंकि बाप कल्याणकारी है और यह संगमयुग ब्राह्मणों का है ही कल्याणकारी। तो जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए होता है, कल्याण के लिए होता है, क्यों? क्योंकि संगमयुग भी कल्याणकारी है और बाबा तो कल्याणकारी है, तो ब्राह्मणों का अकल्याण कभी हो ही नहीं सकता। जो हो रहा है अच्छा, सब में कल्याण, हर एक बात में कल्याण समझ
फखुर में ही रहना है, क्योंकि हम ईश्वरीय संतान हैं, ईश्वर से वर्षा लेते हैं। वर्षा लेते लेते कोई चले जाते हैं तो जरूर उनका कोई और पार्ट होगा, इससे भी जास्ती कोई कार्य करना है। सब एडवांस पार्टी में गए ना, तो और भी देखो और सेवा करनी है। तो बाबा कहते हैं इससे भी जास्ती और कोई कार्य करना है, और कोई पार्ट है, इसलिए चले गए। अहो सौभाग्य, जो हमारा ही पार्ट है कल्प पहले मुआफिक बाप के मददगार बनने का, मददगार बनते बनते कोई जनरल भी मर पड़ते हैं, मदद भी कर रहे हैं तो बाबा कहते हैं कोई जनरल भी मर पड़ते हैं। हम समझते हैं ड्रामा अनुसार ही यह सब कुछ होता है, कोई गया तो क्या हुआ, मदद कर रहे थे और अचानक चले गए, तब उनका पार्ट था, ड्रामा था, तो कोई गया तो क्या हुआ, हमें उनके लिए कुछ करना नहीं है, हमारा तो सब कुछ गुप्त है। वास्तव में अवस्था उनकी अच्छी है जिन्हें कभी आंसू न आए। बाबा कहते वास्तव में अवस्था उनकी अच्छी है जिन्हें कभी आंसू न आए। चेक करो, गंगा जमुना बहती है आंखों से, आंखों से भी नहीं रोना और मन का भी रोना नहीं रोना, नहीं तो मुख से कितना वर्णन करते हैं, कितना रोते हैं। तो कभी ऐसे भी न समझे कि मम्मा का शरीर छूट गया अब क्या होगा, आंसू आए तो नापास हो जाएंगे। बाबा कहते आंसू आए तो नापास हो जाएंगे, क्योंकि बाप बैठा है ना जो हम सबको वर्षा दे रहे हैं, वर्षा देने वाला तो बाप है ना। तो बाबा ने कहा आंसू आया तो नापास, वह तो अमर ही है, उसके लिए कभी कोई आंसू आने की दरकार भी नहीं है, बाबा तो अमर, अमरनाथ। तो बाबा के लिए आंसू बहाना ही नहीं बहाना है, प्रेम के मोती झरने चाहिए, बाबा की याद में प्रेम के मोती झरे आंखों से, वो तो अलाउड है। तो बाबा कहते हैं कि वह तो अमर ही है, उसके लिए कभी कोई आंसू आने की दरकार भी नहीं है, हम तो खुद भी खुशी से शरीर छोड़ने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं, मम्मा का भी कोई कार्य अर्थ इस समय जाने का था, यह भी ड्रामा है। और आगे जरूरत थी, एडवांस पार्टी में जरूरत थी, तो मम्मा चली गई। कोई भी अपनी अवस्था अनुसार शरीर छोड़े तो उनका कल्याण है। देखो मम्मा संपूर्ण हो गई तो शरीर छोड़ दिया, कल्याण है। बहुत अच्छे घर में जन्म लेकर के वहां भी कुछ अपनी खुशी देंगे, देख रहे हैं ना छोटे छोटे बच्चे कैसे अपने परिवार वालों को लेकर आ रहे हैं, तो किसका क्या रोल है ये तो बाबा ही जानते हैं। तो बाबा कहते हैं बहुत अच्छे घर में जन्म लेकर के वहां भी कुछ अपनी खुशी देंगे, छोटे छोटे बच्चे भी सबको खुश कर देते हैं, सभी उनकी बहुत महिमा करते हैं, तो बच्चों का ड्रामा के ऊपर और बाप के ऊपर मदार है। ड्रामा है, बाबा है, सब कुछ पता है बाबा को, ड्रामा में लिखा है, भावी है, तो सब अच्छा हो रहा है। बाबा कहते हैं कोई प्रश्न नहीं होना चाहिए, कोई मुरझाइश नहीं होनी चाहिए, आंसू नहीं आने चाहिए, तो बच्चों का ड्रामा के ऊपर और बाप के ऊपर मदार है, निश्चय होना चाहिए। जो कुछ भी होता है सेकंड बाय सेकंड वह ड्रामा की नोंद है, ऐसा समझ करके खुशी में सदा हर्षित रहना चाहिए। जो कुछ भी हो रहा है हर पल हर घड़ी वो ड्रामा में लिखा हुआ है, नोंद है, फिक्स्ड है, तो ऐसा समझकर खुशी में रहो, हर्षित रहो। ऑल इज वेल, सब बढ़िया, ऑल ओके। कोई भी नाम रूप में हम लोगों को फंसना नहीं है, पता है या शरीर है इसको तो जाना ही है, पता है ना। लौकिक में भी मानते ही आए ना, कहते ही आए मृत्यु तो अटल सत्य है, जो आया है उसको जाना ही है, शरीर है मिट्टी का तो मिट्टी में मिलना ही है, हर एक का पार्ट नोंधा हुआ है, हम रोएंगे तो क्या रोने से उनका पार्ट बदल सकता है,
कोई गया है, हम रोएंगे तो क्या वापस आ जाएंगे, पार्ट बदल जाएगा। इसलिए बच्चों को बिल्कुल अशरीरी, शांत और फिर हर्षित मुख रहना है। बाबा कहते हैं क्या करना है, बच्चों को शांत रहना है, अशरीरी रहना है और हर्षित मुख रहना है। बच्चे जब मान नहीं रहे थे ना, बहुत ही दुखी थे, तो बाबा ने ऐसे ऐसे बहलाया था कि बैठ के सब मम्मा को याद करो, योग करो बाबा से, तो फिर शायद बाबा मम्मा को भेज दें। इस तरह से बाबा ने बहलाया और फिर जब तक दाह संस्कार नहीं हुआ तब तक बच्चों को योग अवस्था में रखा। तो बाबा कहते हैं कि बच्चों को बिल्कुल अशरीरी, शांत और हर्षित मुख रहना है, रोने से कोई पार्ट बदल नहीं जाएगा किसी का भी। अटल अखंड राज्य लेना है तो ऐसा बनना भी है, अटल अखंड राज्य लेना है तो ऐसा बनना भी है, अचल अडोल अवस्था हो, रोना नहीं है। कोई भी इत्तेफाक हो जावे तो कहेंगे भावी है, ड्रामा की, अफसोस की तो कोई बात नहीं, कुछ भी हो तो ड्रामा की भावी है, अफसोस की क्या बात है, कल्प पहले भी ऐसा ही हुआ था, नथिंग न्यू कहते हैं ना बाबा। इत्तेफाक तो होने ही है, चलते चलते अर्थक्वेक्स हो जाते हैं, ऐसे नहीं है कि तुम्हारे में से कोई नहीं मरने हैं, नहीं। राम गयो रावण गयो जाको बहु परिवार, तो बाबा के बच्चे भी तो जाएंगे ना। राम गयो रावण गयो तो दुनिया वाले जाएंगे तो बाबा का परिवार, ऐसे तो सभी बाबा के परिवार के हैं, लेकिन जो अभी बच्चे बने हैं, जो पांडव हैं, जो शिव बाबा के मातेले बच्चे हैं, वो भी तो जाएंगे। कोई भी मर सकते हैं, कोई भी इत्तेफाक हो सकता है, इसलिए बाबा समझाते हैं कि बच्चे हमेशा बाप की याद में फखुर में रहो, याद में रहो, नशे में रहो, फखुर में रहो। इसमें जो पार्ट जिसको मिला हुआ है वह बजाता है, उसमें हमको क्या करना है, जिसका जितना पार्ट था उसने बजाया, खत्म हुआ, चले गए, हमको क्या करना है। हमारा ज्ञान ही ऐसा है, अम्मा मरे तब भी हलवा खाना, अब ये नहीं कि घर में किसी की मौत हो तो हलवा बना के खाने लग जाएं, कढ़ाई चढ़ाएं, बोले नहीं बाबा ने तो बोला है हलवा बना के खाओ, कौन से हलवे की बात कर रहे हैं बाबा। मन ज्ञान रत्न देना, मुरली मिस नहीं हो, अपनी जो नियम धारणाएं हैं उसमें पक्का रहना है, समय अनुसार देखना है, लेकिन मुरली मिस ना हो, आगे पीछे पढ़ना जरूर है। तो ये हलवा खाना है, तो अम्मा मरे तब भी हलवा खाना, यानी ज्ञान रत्न देना। समझो बाबा कहता है या बाबा भी चला जाए, देखो बाबा इशारा दे रहे हैं, तो तुम बच्चों को फिर भी नॉलेज तो मिली हुई है कि हमको शिव बाबा से वर्षा लेना है, इनसे तो नहीं लेने का है, ब्रह्मा बाबा का भी शरीर छूट जाए तो वर्षा तो शिव बाबा से मिलेगा। तो बाबा कहते हैं हलवा खाओ भी और खिलाओ भी, खुद भी ज्ञान रत्न धारण करो, मुरली पढ़ो और ज्ञान रत्न देना भी, देखो उस समय तो सेवा का मौका भी होता है। बाप कहते हैं यह सब बच्चे जो हैं मेरे से वर्षा लेकर के दूसरों को रास्ता बताते हैं, तुम बच्चों को अंधों की लाठी बनना है, बाप का परिचय देना है, अंधों की लाठी बनना है, रास्ता दिखाना है, परिचय देना है, लाठी मारना नहीं है। हर एक के ऊपर मेहर करना है, कृपा करना है, रहम करना है, उनको भी बाप का परिचय देना है। तुम्हारा यही पुरुषार्थ है कि ये बेचारे दुखी हैं, इनको सुख का रास्ता बताएं। इस दुनिया में सिवाय एक बाप के और कोई भी सुख का रास्ता बताने वाला है ही नहीं। किसी से भी रास्ता पूछो, देखो कहाँ पहुंचा देते हैं। लिबरेटर दुख हरता सुख करता एक ही है, उनको ही याद करना है। लिबरेटर दुख से छुड़ाने वाला, दुख हरता सुख करता एक ही है और उन्हीं को हमें याद करना है। यहाँ दुख की कोई भी बात नहीं होनी चाहिए, कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, बाबा कहते हैं कभी भी
दुखी नहीं होना है। भले हम जानते हैं तुम्हारी मम्मा सर्विसेबल सबसे नंबर वन गाई जाती हैं, उनके हाथ में सितार दिखाते हैं, बरोबर जगदम्बा यानी मातेश्वरी वह बहुत अच्छा समझाती थी। वह भी कहती थी कि शिव बाबा को याद करो, मुझे नहीं याद करना। मन मना भाव, मध्याजी भाव, यह दो अक्षर मशहूर हैं, बाकी तो डिटेल है। मम्मा ने भी इतनी अच्छी मुरलियाँ चलाईं, बाबा की मुरली समझाई, सिंप्लीफाई करके इतना अच्छा समझाया, लेकिन सार क्या था? मन मना भाव, मध्याजी भाव। मम्मा ने कभी नहीं कहा कि मुझे याद करना। हमेशा क्या है सार? ज्ञान का सार है शिव बाबा को याद करो। तो ब्रह्मा बाबा भी यही कहते और मम्मा ने भी यही कहा कि शिव बाबा को याद करो, मुझे नहीं याद करना। और बाकी जो ज्ञान है वो तो सब विस्तार है, सार है मन मना भाव, मध्याजी भाव। तो कोई भी हालत में कोई भी संशय किसको पड़े, यह क्या हुआ, ऐसा क्यों हुआ, तो इससे अपना ही नुकसान कर देंगे। तुम बच्चों को कोई भी हालत में दुख की महसूसता नहीं आनी चाहिए, भले बीमारी हो, कुछ भी हो, यह तो कर्म भोग है। किसी को कोई दुख तकलीफ है, बीमारी है, कुछ भी है, तो अपना अपना सबका कर्म भोग है। बाबा से पूछते हैं, बाबा यह क्या है? बाबा कहेंगे यह तुम्हारा कर्म भोग है। ब्रह्मा बाबा ने भी कहा ना शिव बाबा से कि ये खांसी बंद करा दीजिए, देखिए आपको मुरली चलाने में कितनी तकलीफ होती है। तो बाबा कहे तुम चिंता मत करो, मैं अपना काम कर लूंगा, ये खांसी हो रही है तो ये तो तुम्हारा अपना कर्म भोग है। अगर कोई बात ड्रामा में पहले से बताने की नहीं है तो मैं कैसे बताऊं? कोई भी राज जो राज है जो नहीं बताने का है वो बाबा पहले से कैसे बता देंगे? समय आने पर ही बताएंगे ना। पहले से कैसे बता देंगे कि इस दिन ये आत्मा जाएगी? नहीं। तो बाबा कहते कि अगर कोई बात ड्रामा में पहले से बताने की नहीं है तो मैं कैसे बताऊं? यह बाबा भी साक्षी होकर के देखते हैं, तो बच्चों को भी साक्षी होकर के देखना है और बाप की याद में फखूर में रहना है कि हम ईश्वर की संतान हैं, ईश्वर के पोतरे और पोत्रियां हैं। बाबा भी देखो साक्षी है, ब्रह्मा बाबा भी, शिव बाबा भी साक्षी होकर देखते हैं ना बच्चों को। तो बाबा कहते हैं बच्चे भी साक्षी होने चाहिए। नशा हो, फखुर हो कि हम ईश्वर की संतान हैं, ईश्वर के पोत्रे पोत्रियां हैं, ईश्वर से वर्षा ले रहे हैं। बरोबर हम जानते हैं मम्मा ने भी ईश्वर का वर्षा लेते लेते शरीर छोड़ दिया। हम हर एक को तो बस बाप और वर्षे को याद करना है, सारा मदार पुरुषार्थ पर है। यह बच्चे भी महसूस कर सकते हैं कि जितना हम पढ़ेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, ऊंचा प्रिंस बनेंगे। सूर्यवंशी भी प्रिंस और चंद्रवंशी भी प्रिंस एंड प्रिंसेस हैं। तो बच्चों को पढ़ाई पढ़ना ही है, कुछ भी हो जाए पढ़ना जरूर है। ऐसे थोड़ी है कोई का माँ बाप मरता है तो बच्चा पढ़ाई छोड़ देगा, नहीं। घर में किसी की मौत हुई तो पढ़ाई थोड़ी छोड़ देगा, पढ़ाई तो करनी है। तो तुमको भी पढ़ाई रोज पढ़ना है, तुम्हें एक दिन भी पढ़ाई नहीं छोड़नी है। सर्विस भी हर हालत में जरूर करनी है, हर वक्त बुद्धि में वही एक बाबा याद रहे, वही एक बाबा। कौन सा वाला बाबा? निराकार बाबा, ऊंचते ऊंच बाबा, तुम्हें वही पढ़ा रहे हैं और उनसे ही वर्षा लेना है। उसने ही हमारी बुद्धि का ताला खोला है, बेहद के बाबा ने, बड़े बाबा ने, तो उन्होंने ही हमारी बुद्धि का ताला खोला है। सारे ब्रह्मांड, सूक्ष्म वतन और फिर सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान हमारे बुद्धि में है। इसी ज्ञान से हम चक्रवर्ती बनते हैं। बस उसी नशे में, मौज में रह सबको सुनाना भी ऐसे ही है, क्योंकि तुम बच्चे जो पक्के ब्राह्मण बने हो तुम्हें कोई फिक्र नहीं है। चेक करना है कोई फिक्र है? बाबा बैठा है, भगवान हमारा साथी बना है, भगवान का हाथ हमारे सर पर है, किस बात की फिक्र है? इसमें कोई मुरझाने की, फिक्र करने की बात ही नहीं है। ऐसी अच्छी अवस्था चाहिए।
तुम समझते हो कि अंत में विजय हमारी होनी ही है। ढेर के ढेर अपना वर्षा लेने के लिए आएंगे। कुछ भी हो, तुम्हारे सर्विस की वृद्धि होती ही रहेगी। सिर्फ तुम्हारी एक्टिविटी दैवी चाहिए। सेवा हो रही है, बाबा कहते हैं वृद्धि तो होगी ही। हमको क्या करना है? चाल चलन, बातचीत, व्यवहार, हमारी एक्टिविटी दैवी हो, दैवी गुण झलकने चाहिए। उसमें कोई भी आसुरी गुण नहीं चाहिए। किससे लड़ना, झगड़ना, किससे कड़वा बोलना या अंदर में कुछ लालच, लोभ, क्रोध आदि अगर होगा तो बहुत कड़ी सजा खानी पड़ेगी। इसलिए कोई को भी दुख नहीं देना है। बाबा कहते हैं आसुरी अवगुण नहीं चाहिए। लड़ाई, झगड़ा, कड़वा बोलना, लालच, लोभ, क्रोध, अहंकार, ये सब हुआ तो बहुत कड़ी सजा मिलेगी। किसी को भी दुख नहीं देना है। सबको सुख का रास्ता बताना है। कोई छोटे बच्चे हैं, चंचलता करते हैं तो भी चमाट नहीं मारनी है। बाबा कहते हैं बच्चे थोड़े चंचल हैं, बदमाशी करते हैं तो भी चमाट नहीं मारना, थप्पड़ नहीं मारो। उन्हें भी प्यार से चलाना है। घर में भी बड़ा युक्ति से चलना है। कई हैं जो यहाँ बहुत अच्छी तरह से समझते हैं, घर में जाते हैं तो उन्हें माया हैरान करती है। तो फिर क्या करते हैं? अपने वही पुराने ढर्रे पर आ जाते हैं। लड़ाई, झगड़ा, मारपीट, सुनाना, बोलना, करना। बाबा कहते हैं ना बच्चों को भी नहीं मारो, कभी बांध दो, कभी समझा दो। दिखाया ना कि देखो यशोदा मैया भी कृष्ण को बांध देती थी। तो बाबा कहते हैं समझाओ, प्यार से चलो, घर में भी युक्ति से चलना है। तो यहाँ मुरली सुनते समझते हैं, घर जाके फिर माया हैरान करती है। यह भी बाप समझाते हैं कि बच्चे तूफान जोर से आते रहेंगे, दिन प्रतिदिन तूफान और विघ्न पड़ते रहेंगे, तुम्हें घबराना नहीं है। बाप कहते हैं इस हमारे रुद्र ज्ञान यज्ञ में अथाह विघ्न पड़ेंगे क्योंकि यह नई नॉलेज है। यज्ञ का इतिहास पढ़ें यदि तो देखें कितनी प्रॉब्लम्स आई, कितनी समस्याएं, कितने विघ्न हुए, लेकिन ये सब तो होना ही है। ड्रामा में नूंद ही थी। पवित्रता के पॉइंट को लेकर कितना हंगामा हुआ है, सबकी अपनी अपनी कहानी भी है। तो बाबा कहते हैं कि ये सब तो होना ही है, लेकिन तुम्हें घबराना नहीं है। हुआ भी, आगे भी होगा। यज्ञ में भी हुआ, सबके पर्सनल लाइफ में भी है अपना अलग अलग तूफान, आंधी, माया, रावण, विघ्न, सब कुछ, लेकिन घबराना नहीं। कोई पूछते हैं तुम शास्त्रों को मानते हो? बोलो हाँ मानते हैं। यह सब भक्ति मार्ग के शास्त्र हैं, यह ज्ञान मार्ग है। ज्ञानेश्वर बाप कहते हैं मुझे याद करो बस। हम भी तुमको कहते हैं बाप को याद करो, करो न करो तुम्हारी मर्जी। हमने तो लगा दी अर्जी, बाकी अब है आपकी मर्जी। अभी नर्क है, रावण राज्य है, अब बाप और स्वर्ग को याद करो। तुम गंगा में स्नान तो जन्म जन्मांतर करते आए हो, फिर भी दुनिया पतित बनती आई है। अभी बाप कहते हैं बस मुझे याद करो। जो यहाँ के होंगे उनके संस्कार ही देखने में आएंगे, वह झट समझ जाएंगे। जो यहाँ का होगा उसको तीर लग जाएगा। तुम अभी बेहद के बुद्धिवान हो, सयाने को बुद्धिवान कहा जाता है, तो तुम्हें उसी नशे में रहना है। बाकी गम की कोई बात नहीं है, यह हम जान गए कि ड्रामा चल रहा है। तुम कहेंगे वाह मम्मा गई, वह एक्टर दूसरा एक्ट करने गई। इसमें मूंझने की, रोने की, दुख की दरकार नहीं है। वह कोई ऊंची सर्विस करने के लिए गई। तुम दिन प्रतिदिन ऊंचे बनते जाते हो। कोई शरीर छोड़ेगा तो भी ऊंची सर्विस जाके करेगा। इसलिए बच्चों को कोई भी दुख नहीं होना चाहिए। मम्मा क्या सभी जाएंगे? हमको भी बाबा के पास जाना है। क्यों जाना है? हमारा काम है बाबा से। तभी देखो कहते हैं ना भगवान के पास चले गए, भगवान ने उनको बुला लिया। तो हमको भी बाबा के पास जाना है, हमारा काम है बाबा से, सबका काम है बाबा से। मम्मा का काम था बाबा से, काम था इसलिए चली गई अगला पार्ट बजाने।
अभी उनसे वह नॉलेज पा करके सर्विस करके जाके कोई दूसरी सर्विस के लिए दूसरा पार्ट बजाने गई। हम साक्षी होकर के देखते हैं, ऐसे नहीं कि मम्मा चली गई, फलानी चली गई, यह चली गई, अरे आत्मा सर्विस के लिए गई। शरीर तो सब खाक में ही मिलने हैं, इसलिए कभी भी बच्चों को कोई प्रकार का फिक्र नहीं करना है। हाँ, यह सत्य है, यह जो स्टूडेंट बाबा का था यह बड़ा अच्छा था, अच्छा समझाता था, गाया जाता है। कोई अच्छी सेवा करते हैं तो याद करते हैं ना। अगर कोई भी प्रकार का संशय आया तो यह खत्म हुआ, पद से भ्रष्ट हो जाएगा, इसलिए बाबा बच्चों को समझाते रहते हैं, बच्चे कोई प्रकार का फिक्र नहीं करो, डायरेक्शंस जो मिलते हैं उन्हें अमल में लाते रहो, ऐसे मत समझो कि यह क्या हो गया। फिक्र उनको होगा जो बाप को और नॉलेज को भूलेगा, जो बाप को और नॉलेज को भूलेगा वो फिक्र करेगा। तुम बच्चे सभी मास्टर नॉलेजफुल हो, जिसका जो पार्ट है उसमें हम कर ही क्या सकते हैं। बाबा ही नहीं कुछ कर सकते तो आप और हम क्या कर सकते हैं। तो जिसका जो पार्ट है वो उस हिसाब से ही शरीर छोड़ेगा, वही करेगा। अच्छा, रात्रि को तो सब याद में बैठे, अच्छी कमाई हो गई। बाबा यहाँ आकर के बच्चों को देखते हैं, खुश होते हैं कि यह बगीचा बन रहा है। अभी ब्राह्मण है, इसके पीछे देवी देवताओं का बगीचा बनना है। अभी यहाँ सब पुरुषार्थी हैं, कोशिश कर रहे हैं अच्छा फूल बनने की, कांटे को फूल बनाने का शो करेंगे, पहले खुद कांटे से फूल बनेंगे और फिर औरों को अपने समान बनाएंगे। तो कांटे को फूल बनाने का शो करेंगे, तुम्हें यहाँ स्थैर्यम होकर बैठना है। देखो बाबा का अपना शब्द स्थैर्यम, स्थिर होकर बैठना है, हलचल में नहीं आना है। बाबा देखो कितना पक्का कराते हैं, बाबा का फरमान मिला हुआ है, सिर्फ मुझे याद करो। सिर्फ बाबा को याद करेंगे ना तो ही स्थैर्यम होकर बैठ सकते हैं। कोई ने रोया तो बाबा कहेंगे जिन रोया तिन खोया, रोए तो खोए। बाबा देख रहा है कोई मुरझाया हुआ फूल तो नहीं है, नहीं, सब महावीर हैं। सब खुश हैं, हर्षित हैं, मुस्कुरा रहे हैं, खिले हुए हैं, कोई मुरझाया हुआ तो नहीं है, कोई रोना तो नहीं है, आंसू भी नहीं, मन का रोना भी नहीं, तो सब महावीर हैं। ऐसे ऐसे विघ्न तो आने ही हैं, ड्रामा है, भावी है। विघ्न आते हैं तो क्या है, ड्रामा में है और भावी है, ये तो होना ही है। अच्छा, मीठे मीठे से खिलते ज्ञान सितारों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, अपनी दैवी एक्टिविटी बनानी है, कभी भी लड़ना झगड़ना नहीं है, कड़वा नहीं बोलना है, लोभ लालच नहीं रखना है, कोई को दुख नहीं देना है, सबको सुख का रास्ता बताना है। दूसरा, कोई भी विघ्न में संशय नहीं उठाना है, ड्रामा की निश्चित भावी समझ, फखुर में रहना है, फिक्र नहीं करना है। वरदान है सच्चे दिल से बाप को राजी करने और सदा राजी रहने वाले राजयुक्त भव। सच्चे दिल से बाप को राजी करने और सदा राजी रहने वाले राजयुक्त भव। बाबा समझाते हैं, जो बच्चे सच्चे दिल से बाप को राजी करते हैं, सच्चे दिल पर साहिब राजी कहा ना बाबा ने, तो जो बच्चे सच्चे दिल से बाप को राजी करते हैं, बाप दादा उन्हें स्वयं के संस्कारों से, संगठन से सदा राजी अर्थात राजयुक्त रहने का वरदान देते हैं। दिल में यदि सच्चाई है, सफाई है, तो बाबा राजी है, और जब बाबा राजी होते हैं तो वरदान देते हैं। कौन सा वरदान? कि अपने स्वभाव संस्कार और संगठन से भी सदा राजी रहेंगे, खुश रहेंगे, माना स्वभाव संस्कार उनको परेशान भी नहीं करेंगे, खुद के भी और संगठन से भी वो संतुष्ट रहेंगे और संगठन में भी सभी उनसे संतुष्ट रहेंगे।
तो जो बच्चे सच्चे दिल से बाप को राजी करते हैं, बाप दादा उन्हें स्वयं के संस्कारों से, संगठन से सदा राजी अर्थात राजयुक्त रहने का वरदान देते हैं। स्वयं के व एक दो के संस्कारों के राज को जानना, परिस्थितियों को जानना, यही राजयुक्त स्थिति है। जब सब कुछ आपको पता है फिर परेशान होने की क्या बात है, किसका संस्कार कैसा है ये समझ लिया, परिस्थितियाँ क्या आने वाली हैं, कैसे आती हैं, कब आती हैं ये जान लिया, तो बाबा कहते हैं ये राजयुक्त स्थिति है। सच्चे दिल से बाप को अपना पोता मेल देने व स्नेह की रूरिहान करने से सदा समीपता का अनुभव होता है और पिछला खाता समाप्त हो जाता है। तो बाबा ने कहा सच्चाई से अपनी जो भी बातें हैं, कमी है, कमजोरी है, पुरुषार्थ है, जो कुछ भी किया है सब कुछ बाबा को बताओ, पोता मेल दो और बाबा से प्यार से रूरिहान करो, बातें करो। यदि कोई कमी भी है उसके लिए कुछ युक्ति भी चाहिए तो बाबा से बात करके पूछो। तो बाबा कहते हैं इस तरह से समीपता का अनुभव होता है और पिछला खाता समाप्त हो जाता है। जितना जितना बाबा के करीब जाएंगे उतना समान संपूर्ण बनते जाएंगे, विकर्मों का खाता भस्म होता जाएगा। उसके लिए क्या करना है, बाबा से रूरिहान और सच्चाई से अपने कर्मों का बखान, बाबा को सब कुछ बताना है कि हमने क्या किया, माफी मांगनी है, फिर गलतियां न दोहराने की प्रतिज्ञा करनी है और श्रीमत पर चलना है। स्लोगन है सच्चे दिल से दाता विधाता वरदाता को राजी करने वाले ही रूहानी मौज में रहते हैं। सच्चे दिल से दाता विधाता वरदाता को राजी करने वाले ही रूहानी मौज में रहते हैं। बाबा है देखो ज्ञानदाता विधाता, हमें विधान सिखाते हैं और वरदान देते हैं। तो बाबा को जिसने राजी कर लिया सच्चाई से सफाई से वो सदा रूहानी मौज में रहते हैं। तो ये थी आज की विशेष मुरली। आज की मुरली से 5 महावाक्य निकाले हैं, है ना? तो बाबा के ही शब्दों में सुनते हैं। पहला, कोई ना कोई कल्याण के कारण यह सब कुछ होता है क्योंकि बाप कल्याणकारी है और संगम युग ब्राह्मणों का है ही कल्याणकारी। तो ये पॉइंट पक्का करना है। दूसरा है, आंसू आए तो नापास हो जाएंगे, जिन रोया तिन खोया। आंसू आए तो नापास हो जाएंगे, जिन रोया तो खोया। तीसरा है, हर वक्त बुद्धि में वही एक बाबा याद रहे, ओनली वन बाबा। तो हर वक्त बुद्धि में वही एक बाबा याद रहे। चौथा, हमको भी बाबा के पास जाना है, हमारा काम है बाबा से, ये याद रहे हमेशा। कभी भी शरीर छूट सकता है तो हमको भी बाबा के पास जाना है, हमारा काम है बाबा से। और पांचवा, ऐसे ऐसे विघ्न तो आने ही हैं, ड्रामा है भावी है। कैसे कैसे विघ्न आएंगे वो हमें पता नहीं, लेकिन ऐसे ऐसे विघ्न तो आने ही हैं, ड्रामा है भावी है। ओम शांति। श्रीमत का है।